नमस्कार मेरा सभी को। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो टू एज वेल आल्सो सो और इवन, और सबका मतलब ही होता है। अब इनका यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? इनका यूज करते हैं पॉजिटिव रिप्लाई के लिए। जब हमें किसी बात का पॉजिटिव रिप्लाई देना हो तो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज अ गुड बॉय, किसी कोई लड़का है वो एक अच्छा लड़का है या कोई व्यक्ति अच्छा है वो अपने बारे में कह रहा है और हमें भी यही बात अपने बारे में कहनी है, ही इज अ गुड बॉय। अब मुझे अपने बारे में कहनी है कि मैं भी अच्छा हूं तो मैं कैसे कहूंगा? आई एम अ गुड बॉय टू, आई एम अ गुड बॉय टू। दूसरा तरीका क्या होगा? आई एम अ गुड बॉय एज वेल, आई एम आल्सो अ गुड बॉय, आई एम आल्सो अ गुड बॉय, या सो एम आई। तो सो से भी प्रयोग कर सकते हैं। सो के साथ आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, फिर कर्ता लगाना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव रिप्लाई कैसे दे सकते हैं? ही इज अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय टू, आई एम अ गुड बॉय एज वेल, आई एम आल्सो अ गुड बॉय और सो एम आई। ये इतने तरीके होते हैं, चार तरीके हैं आपको पॉजिटिव रिप्लाई देने के लिए। एक और है ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। और आप भी कहना चाह रहे हैं मैं भी हॉकी खेलता हूं, तो कैसे कहोगे आप? आई प्ले हॉकी टू, आई प्ले हॉकी एज वेल, आई आल्सो प्ले हॉकी, या सो डू आई। सो वाले में आपको कहना नहीं होता, सो वाले में सो प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। ये आगे वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। तो सो वर्ब सब्जेक्ट, सो वर्ब सब्जेक्ट, और एज वेल का प्रयोग लास्ट में होता है। आल्सो का प्रयोग कैसे होता है? सब्जेक्ट बी वर्ब मतलब इज ए वर्ब वाज वर्ब, और हैज ए वर्ब, उसके बाद आल्सो, या सब्जेक्ट आल्सो मेन वर्ब या फुल वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस प्रकार से इनको यूज करते हैं। ये क्या था? ये था कि आप कोई व्यक्ति पॉजिटिव बात कहता है और आप भी उस बात को कहते हो, उसका रिप्लाई पॉजिटिव में देना चाहते हो। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। तो ये तरीके थे, दोनों तरीके लिए मैंने। जो आपकी लिंकिंग वर्ब वाली होती है वर्ब वाली, उसका लिया, एक मेन वर्ब वाले का लिया। चार चार तरीके थे, इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो सीखा कि हमें पॉजिटिव रिप्लाई देना होता है तो टू का प्रयोग, आल्सो एज वेल और इवन आपका और सो का प्रयोग करते हैं। अगर हमें नेगेटिव रिप्लाई देना हो तो क्या करेंगे? तो नेगेटिव रिप्लाई देना हो तो उसमें इवन, नॉट ईदर, नॉर और नीदर। लेकिन इवन पॉजिटिव में भी था तो उसका पहले क्लियर कर ले इवन वाले को। इवन का प्रयोग कैसे होता है? बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है भाई। और इवन का प्रयोग बाकी का शुरू में होता है। ही इज अ गुड बॉय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है सर, इसका आपको रिप्लाई देना है। ही इज अ गुड बॉय, इवन आई एम अ गुड बॉय, तो आपने इवन से दिया तो ये पॉजिटिव है, तो उसका रिप्लाई कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। इवन से आप दे सकते हो, इसके अलावा टू से दे सकते हो, आल्सो एज वेल और सो के साथ। ही इज नॉट अ गुड बॉय, अब मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव रिप्लाई के लिए, तो इवन, नॉट ईदर, नॉर और नीदर। He is not a good boy. Even I am not a good boy. Nor am I. Neither am I. जैसे so में हम नहीं लिखते थे, so verb करता मतलब subject, ऐसे ही nor verb subject, neither verb subject, लेकिन either में लिखना पड़ता है। I am not a good boy either. तो अगर आपका पहला sentence negative है तो even, nor, neither or not either, इस तरह से कर सकते हैं। ये for example, he does not play hockey. तो देखो even I do not play hockey. Even I do not play hockey. I do not play hockey either. Nor do I or neither do I. तो अगर हमें positive reply देना है किसी का, तो आप do, also as well, so का प्रयोग करिए और even का प्रयोग शुरुआत में करिए बात के। अगर आपको negative reply देना है किसी बात का, तो आप even का भी दोनों में कर सकते हैं, not either, nor or neither। इस तरह के question काफी arise होते हैं, assessment काफी होते हैं, और बोलने की भाषा में बहुत use करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मैं आज स्कूल जाऊंगा, I will go to school today. So will I? मैं भी जाऊंगा, या I will go to school today. Two, या I will also go to school today. इस तरह से आप अपनी बात को कह सकते हैं।